अनलॉक के साथ ही लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्थिति ये है कि बाजारों में भीड़ देखने लायक हो गई है। कुछ जगह तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शादियों में मनमर्जी के मेहमान आ रहे हैं, मास्क के बिना ही लोग घूमने लगे हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि लापरवाही इस तरह जारी रही तो जुलाई मध्य के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के महाराष्ट्र में 21 मरीज मिलने से सरकार भी सतर्क हो गई है। नए वेरिएंट से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन के निर्देश के बाद मेडिकल, मेयो और एम्स में तैयारी शुरू हो गई है। तीनों जगह मिलाकर करीब 300 बेड की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन घरों में बच्चे हैं, उन अभिभावकों द्वारा जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाकर बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी बीमारी में विशेषज्ञों की सलाह अनिवार्य है। सिटी के डॉक्टरों ने चर्चा के दौरान बताया कि IIT कानपुर की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। पिछले वर्ष के संस्थान ने जो रिपोर्ट दी थी वो सटीक बैठी थी। इस बार जुलाई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने और अगस्त के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनने का रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में अधिकाधिक टीकाकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। टीकाकरण से वायरस की तीव्रता को रोका जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही इस बार कोरोना का असर ज्यादा दिनों तक न रहे, लेकिन संक्रमण तेजी से फैल सकता है। फिलहाल विदर्भ में अब तक नए वेरिएंट का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। इस बीच जिले में 24 घंटे के भीतर 9,413 लोगों की जांच की गई। इसमें 46 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 3-4 दिनों से 30 से ज्यादा पॉजिटिव नहीं मिले थे, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही मरीज भी बढ़ गए हैं।